शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र कुमार मोहल्ला में पटाखे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मासूम बच्चों की भी पिटाई कर दी। पटाखों को लेकर विवाद हुआ था, जहां मामला शांत होने के बाद युवक घर वापस लौटा तो युवक के पड़ोसियों ने उस पर हमला बोल दिया। वहीं युवक के साथ बच्चों को भी मारपीट कर दी थी। आपको बता दें कि दिलीप पुत्र बारेलाल रजक उम्र 42 वर्ष निवासी पुरानी शिवपुरी, जहां साथ में पुत्री भी शामिल हुई है, जिसमें वैष्णवी रजक उम्र 12 वर्ष, दिव्या रजक उम्र 17 वर्ष, वंशु रजक उम्र 10 वर्ष, संजय रजक उम्र 39 वर्ष, जिसके गले में चोट आई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। वैष्णवी रजक, क्या कुछ आपका ये पूरा नाम है, जो मारपीट हुई है, क्या कुछ अपना? पापा जी है ना, बाद में फटाके चला रहे थे, वो पापा जी नहीं, वो चला रहे थे फटाके, तो चाची की लड़की है ना, वो छोटी है, वो डर रही थी ना, इसलिए चाचा ने मना कर दिया था उनसे, फिर वो बात खत्म हो गई थी। फिर पापा और भैया है ना टिक्की पीने गए थे ना, हाँ, तो इधर सारे जने डंडे लेके खड़े थे, मुकेश, पवन, सूरज और पवन लेके कौन खड़ा था, मतलब कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, कौन पड़ोसी? फिर क्या हुआ? वो सारे जने डंडा लेके खड़े थे, कुछ और को पापा को मारा था बहुत तेज, बहुत तेज मारा था पापा को, वो मोंटी है ना, उसने मेरे हाथ में डंडा दिया था बहुत तेज और पापा को मार रहा था। कितने दिन पुरानी घटना है? कल। कल की? हाँ। आपने FIR वगैरह दर्ज की पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? पापा फिर है ना, वो ने बोला मेडिकल कर, बस मेडिकल मेडिकल हुआ। उसके बाद है ना चाचा को भी मारा, फिर पापा जी हमारे घर, मुझे पापा जी को और दीदी को, भैया को, चाचा को, हाँ, मारा किस चीज से? डंडा से और वो चैन से, और वो पता नहीं है ब्लेड होती है ना, ब्लेड से चाचा का गले में जी थी। हाँ, तो आपको पुलिस की मदद मिली थी? नहीं मिली, अभी मदद मिली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।